नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बुरी खबर आई है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्लेयर्स के लिए और अंपायर्स के लिए। दोस्तों, दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक सूचना जारी की गई है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। दरअसल ये जो सूचना है वो बिहार प्रीमियर लीग को भी बहुत ही ज्यादा हद तक प्रभावित करने वाली है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार प्रीमियर लीग 12 जून से 16 जून के 26 जून के बीच, बतानी चाहूंगा आपको, 12 जून से 26 जून के बीच बिहार में शुरू होने वाली है। लेकिन इसके बीच एक दिक्कत आई है। जी दोस्तों, बिहार प्रीमियर लीग के बारे में एक बहुत बुरी खबर सुनाने वाला हूं आपको। दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बिहार प्रीमियर लीग के बारे में एक सूचना जारी की है और उन्होंने कहा है प्लेयर्स को और साथ ही अंपायर्स के अलावे जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने यह क्लियर करना चाहा है। उन्होंने यह सूचना दी है कि बिहार प्रीमियर लीग जो है वो कहीं ना कहीं अनऑफिशियल है और ऐसे में प्लेयर्स और अंपायर को बीसीए ने कहा है कि आप इससे दूर रहें। दोस्तों, बतानी चाहूंगा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के दो गुट, जो कि सचिव गुट और अध्यक्ष गुट, अध्यक्ष गुट जो है वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के, वो बिहार क्रिकेट लीग चलाते हैं और जो कि अभी खत्म हुई है। वहीं सचिव गुट की बात करें तो वो बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन करने वाले हैं। ऐसे में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये जो लीग होने वाला है वो वैध नहीं है और ऐसे में प्लेयर्स और अंपायर इसमें हिस्सा ना लें। बताना चाहूंगा दोस्तों इसके बाद कि दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो अभी प्रतिबंध लगने वाला है, मतलब वैध अवैध जो बताया जा रहा है, दरअसल इस बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन 12 जून से होने वाला है। 12 जून से 26 जून के बीच इन मैचों का जो आयोजन है वह ऊर्जा स्टेडियम में होगा। क्या दोस्तों, बताने चाहूंगा आपको कि सारे मुकाबले जो है वो ऊर्जा स्टेडियम में ही खेले जाएंगे और लाइव टेलीकास्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रही है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव गुट और ऐसे में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और उम्मीद है कि अगर 12 जून से ये टूर्नामेंट शुरू होता है बिहार प्रीमियर लीग, या फिर अगर कुछ समय बढ़ा भी दिया जाता है, दरअसल उम्मीद है कि 12 जून से ही यह टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर ये टूर्नामेंट शुरू होता है तो अभी जद्दोजहद इस बात के लिए भी जारी है कि आखिर बिहार प्रीमियर लीग का लाइव आयोजन, मतलब लाइव प्रसारण आखिर आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बता दूं कि बिहार प्रीमियर लीग के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई थी हमारी और उन्होंने बताया है कि हम अभी फिलहाल ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, अच्छा सा कोई चैनल रहेगा, वहां पे हमारा लीग निश्चित तौर पे आयोजित होगा, वहां पे लीग का लाइव टेलीकास्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप अगर लाइव टेलीकास्ट इसका देखना चाहते हैं मोबाइल फोन पे, तो बतानी चाहूंगा आपको कि जैसे ही टीवी के बारे में पता चलता है कि टेलीविजन पे इसका लाइव टेलीकास्ट किस चैनल पे होगा, उसके तुरंत बाद ही मैं आपको निश्चित तौर पे बता दूंगा कि आखिर मोबाइल पे आप इन सभी मैचों का लाइव प्रसारण कैसे देख सकते हैं। जून से जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका ऑप्शन जल्द ही रखा जाएगा और जैसे ही ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगती है निश्चित तौर पे सबसे पहले आपको बता दूंगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि 12 जून से ये मुकाबला शुरू हो। दरअसल आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आखिर बिहार प्रीमियर लीग का आयोजन होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आप जरूर बताएं। दोस्तों, एक बात तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो अब आगे बढ़ रही है और अपने प्लेयर्स के लिए नई नई टूर्नामेंट्स लेकर के आ रही है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौके दे रही है ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके और भारतीय टीम के लिए जो है दरवाजा कहीं ना कहीं नॉक कर सके। तो ऐसे में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में और साथ ही यह भी बताना ये जो टूर्नामेंट होने वाला है उसे आखिर होना चाहिए बिहार प्रीमियर लीग को या उस पे रोक लगा देनी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ ही क्रिकेट के लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ, लव यू ऑल।